Hello everyone, in this video we will discuss about nervous system of Fasciola hypetica. Last video में हमने respiratory system, digestive system के बारे में discuss कर लिया है. जो nervous system होता है Fasciola hypetica का, वो होता है centralized and ladder type nervous system, यानी कि ladder type का होगा. टू पार्ट्स होते हैं इसके. एक होता है इसके अंदर सेरिब्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज़ द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम. जो सेरिब्रल नर्वस सिस्टम है उसके भी फर्दर टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ द सेरिब्रल नर्व रिंग और ब्रेन, और इसको कोलर भी बोलते हैं. एंड सेकंड वन इज़ द नर्व कोर्ड. जो सेरिब्रल नर्व रिंग्स है और ब्रेन है और कोलर है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होता है बेसिकली गैंग्लियंस की फॉर्म में. थ्री गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सेरिब्रल गैंग्लिया इनको बोलते हैं. थ्री गैंग्लिया में से टू लेटरल होते हैं एंड वन वेंट्रल गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है. इसके बाद इन गैंग्लिया से क्या होती है, नर्व कोड अराइज होती है, जिसमें से एक डोर्सल नर्व कोड होती है, एक वेंट्रल नर्व कोड एंड लास्ट इज द लेटरल नर्व कोड. तो ये तीन नर्व कोड यहाँ से अराइज होती हैं. डोर्सल और जो वेंट्रल नर्व कोड है वो ऊपर वाले जो इंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर ही रहती है, लेकिन जो लेटरल नर्व कोड है वो कहाँ तक आती है, वो नीचे तक आती है, यानी कि जो एक पूरा का पूरा बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड है उस तक रन करेगी. तो लेटरल वाली क्या है, जो नीचे तक यहाँ तक, ये लेटरल जो है नर्व रिंग, जो नर्व कोड है वो नीचे तक एक्सटेंड करेगी. इसके बाद क्या होता है, ये एक्सटेंड करती है और साथ में यहाँ पर कुछ ट्रांसवर्स नर्व कोड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो इसको क्या करती है, ऐसे लेडर लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करवाती है. इसलिए इसको लेडर लाइक लेडर नर्वस सिस्टम, लेडर टाइप नर्वस सिस्टम बोला जाता है. इसके बाद नेक्स्ट इज़ द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो ये गैंग्लिया प्रेजेंट थे यहाँ पे, जो गैंग्लियन प्रेजेंट थे वहाँ से क्या होगा, हर एक गैंग्लिया क्या करेगा, ऊपर की तरफ अपनी नर्व सप्लाई देगा. जो ये गैंग्लिया है, हर गैंग्लिया, थ्री गैंग्लिया थे, थ्री गैंग्लिया एंटीरियर साइड में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अपनी फॉरवर्ड जो डायरेक्शन है उसकी तरफ अपनी सप्लाई भेजेंगे. और ये सप्लाई कहाँ जाएगी, फर्स्ट तो ये जाएगी हेड लोब के अंदर, और जो ओरल शक्कर यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके अंदर ये सप्लाई जाएगी. तो इस वे में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स कोई ऐसे वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये एंडो पैरासिटिक हैबिटेट में रहता है, होस्ट के अंदर रहता है, तो इसको इतना इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. लेकिन इसके अंदर, इसके ओवरऑल सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर्स और टेक्टाइल रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और जो शक्कर होगा, जो ओरल शक्कर होगा, उस जगह पे और ज़्यादा प्रेजेंट होंगे ये. इसके बाद ये जो टेंगो रिसेप्टर्स है वो क्या करते हैं, जो भी टेस्ट होगा, टेस्ट की जो भी टच होगा उसके लिए क्या होगा, ये सेंसिटिव होंगे. तो टेक्टाइल रिसेप्टर और टेंगो रिसेप्टर क्या करेंगे, जो भी टच होगा उसके लिए सेंसिटिव होंगे. नेक्स्ट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें फैसियोला हिपेटिका के अंदर, तो इसके अंदर बाइसेक्सुअल मोनोसियस एंड हर्मेफ्रोडाइट टाइप ऑफ नर्वस रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एक ही फ्लूक के अंदर प्रेजेंट होंगे. मेल भी एक के अंदर प्रेजेंट होगा एंड फीमेल भी उसी के अंदर प्रेजेंट होंगे. तो अलग अलग अगर हम फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट प्रेजेंट होती है टेस्टिस. टेस्टिस प्रेजेंट होंगी. टेस्टिस भी क्या होती है, एक इंटीरियर टेस्टिस होती है, एक पोस्टीरियर टेस्टिस होती है. पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट होंगी, एंटीरियर वाली मिड जो है बॉडी का वहाँ पे प्रेजेंट होगी. तो एक पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टिस का, जो कि हाईली पेयर्ड होता है एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. इसके बाद ये इसका जो अरेंजमेंट है वो, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टेंडम अरेंजमेंट. जो टेस्टिस का अरेंजमेंट है उनको हम बोलते हैं टेंडम अरेंजमेंट, क्योंकि एक ऊपर प्रेजेंट है एक नीचे प्रेजेंट है, तो ये एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट शो करती है. जो टेस्टिस की लाइनिंग होगी, जो टेस्टिस को जो लाइन करेगी जो लेयर, उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम. काम क्या होगा टेस्टिस का, स्पम्स को प्रोड्यूस करने का बाई स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पम्स प्रोड्यूस होकर नेक्स्ट कहाँ जाएगी, वैसा डिफरेंसिया के अंदर. तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वैसा डिफरेंसिया. वैसा डिफरेंसिया भी क्या होते हैं,
एक पेयर होता है लॉन्ग सिलेंडर वाइटिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो टेस्टिस है उनके मिडल से अराइज होंगे। यहाँ मिडल से अराइज हुआ और इसके भी क्या है, मिडल से अराइज होकर ये जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, इंटीरियर जो पोर्शन है उस तक फॉरवर्ड उस तक रन करेंगे। रन करने के बाद ये यहाँ पे एसिटाबुलम के पास एक सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होता है उसके अंदर ओपन हो जाएंगे। सेमिनल वेसिकल के अंदर ये ओपन हो जाएंगे। अब इस वैसा डिफरेंशिया का काम क्या है, इसका काम है स्पम्स को कंडक्ट करना। टेस्टिस में स्पम बनी, वैसा डिफरेंशिया का काम है सेमिनल वेसिकल तक इन स्पम्स को कंडक्ट करने का। और कंडक्शन कैसे होता है, बाई पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट्स के थ्रू। तो नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पम्स आ जाएंगी। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, एक एस शेप, ये जो येलो कलर का नजर आ रहा है वो क्या है, सेमिनल वेसिकल है जो कि एक एस शेप्ड सैक प्रेजेंट होता है, एसिडाबुलम के नियर ही प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है स्पम्स को स्टोर करने का। नेक्स्ट जो है प्रोस्टेट डक्ट और पार्स प्रोस्टेटिकता, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आएगा। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स ही प्रेजेंट होती है। ये एक नैरो ट्विस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटीरियर कंटिन्यूएशन जो होती है सेमिनल वेसिकल की वहीं पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो जो प्रोस्टेटिक डक्ट है वो बहुत सारी न्यूमरस यूनिसेलर प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड की जाती है। इसका फंक्शन होता है एल्कलाइन सिक्रीशन करने का जो कि मोटिलिटी में हेल्प करेगा, कि उस पम्प को आगे मूव करना है तो उस मोटिलिटी के अंदर ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ द पेनिस और सीरस। पेनिस और सीरस क्या होता है, इसके अंदर एक थिक मोस्कुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोट्रूजिबल होता है, यानी कि वो प्रोट्रूड कर सकता है बाहर की तरफ। सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, तो ये कहाँ होगा, जो कि पास होता है प्रोस्टेटिक डक्ट को पास करता है एज इजेक्यूलेटरी डक्ट एंड ओपन हो जाता है जेनिटियल चैम्बर के अंदर। तो यहाँ पे ये मेन मेल जेनिटियल चैम्बर है, इसके अंदर ओपन हो जाएगा थ्रू मेल गोनोफोर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मेल गोनोफोर प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू ये ओपन हो जाएगा। और फंक्शन क्या है इसका, ये एक्ट करता है कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाएगा जेनिटियल चैम्बर, और जो जेनिटियल चैम्बर या फिर जेनिटियल एट्रियम होगा, जेनिटियल एट्रियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसको जेनिटियल चैम्बर भी बोलते हैं। एक स्मॉल चैम्बर होता है जो कि रिसीव करता है स्पम्स को, और ये क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है फीमेल जेनिटियल अपरेचर का और मेल जेनिटियल अपरेचर का। एक कॉमन अपरेचर होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जो गैमिट्स हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे। इसके बाद ये एक कॉमन गोनोफोर होगा जिसके थ्रू ये ओपन होगा, और इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड जस्ट बिलो द एसिटाबुलम, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। एक और स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर सीरस सीथ। सीरस सीथ का काम क्या होता है, या फिर इसको सीरस पाउच भी बोलते हैं, एक थिक कवरिंग होती है जो कि सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेटिक ग्लैंड एंड पेनिस जो होता है उनको क्या करती है, कवर करके रखती है तीनों को। फंक्शन क्या होगा, कवर करेगी तो ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होगी। तो ये सारे के सारे पार्ट्स क्या थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट क्या होगा, ओवरी होगी। सबसे फर्स्ट ओवरी होगी। ओवरी क्या करेगी, एक सिंगल इरेगुलर शेप हाईली ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि राइट साइड ऑफ द मीडियन लाइन जो होती है, इंटीरियर साइड जो होती है उस साइड प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे ये ओवरीज है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये भी क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये एंटीरियर 1/3 जो है बॉडी का उसको ऑक्यूपाई करती है। जैसे टेस्टिस लाइन की जा रही थी जर्मिनल एपिथीलियम के थ्रू, इसके अंदर भी जर्मिनल एपिथीलियम से लाइन की जाएगी। फंक्शन क्या होगा, ओवम प्रोड्यूस करने का बाय ओजेनेसिस। नेक्स्ट इज द ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करेगी, ओवा को नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसके अंदर मूव करवाएगी, जैसे वैसा डिफरेंशिया करता है। एक शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये क्या करता है, मीडियन वाइट लाइन डक्ट को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट ये क्या कर लेगा, मीडियन वाइट लाइन डक्ट जो है उसको ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे ये ग्लैंड है, यहाँ पे मीडियन वाइट लाइन डक्ट होगी, उसको ये ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट जो इसका फंक्शन क्या होगा, अगेन फंक्शन होता है इसका कंडक्ट करने का, ओवा को कंडक्ट करने का बाई पेरिस्टाइलिस। जो मूवमेंट होगी उनके थ्रू ये ओवा को नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी वाइट लाइन जो डक्ट्स होंगी या फिर वाइट लाइन जो ग्लैंड्स हैं उनके थ्रू ये पास करेगा। अब नेक्स्ट इज द वाइट लाइन ग्लैंड। वाइट लाइन ग्लैंड और वाइट लेरिया भी इसको बोलते हैं। ये बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, न्यूमरस ग्लैंड्स होती हैं, फोलिकुलर इन नेचर होती हैं,
और ये प्रेजेंट होती है जो लेटरल साइड होती है फ्लूक की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। लॉन्गिट्यूडनल वाइट लाइन जो डक्ट है यहाँ पे वाइट लाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसवर्स वाइट लाइन डक्ट प्रेजेंट होती है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या होती है यहाँ पे वाइट लाइन ग्लैंड्स या फिर वाइट लाइन डक्ट होती है। अब ये जितनी भी वाइट लाइन ग्लैंड्स है, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो मीडियन हो, इन सब का काम होता है प्रोड्यूस करने का योग कम सेल मटीरियल। एक योग कम सेल मटीरियल प्रोड्यूस करती है जो आगे जाके क्या करेगा, कैप्सूल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद इफरेंट वाइट लाइन डक्ट्स होती हैं, ये क्या करती है, जो वाइट लाइन ग्लैंड्स है वहाँ से अराइज होंगी और ज्वाइन करेंगी वाइट लाइन डक्ट्स को, जो भी यहाँ पे ये वाइट लाइन डक्ट है उसको ये ज्वाइन कर लेगी। ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जितने भी अब वाइट लाइन डक्ट थी ये योग कम सेल सिक्रीशन करेगी, तो मीडियन वाइट लाइन डक्ट होती है, ट्रांसवर्स वाइट लाइन डक्ट होती है, ये क्या करेंगी फर्दर यूट्रस के अंदर ओपन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्या पार्ट होगा, जो यूट्रस है उसके अंदर ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो पार्ट है वो जो दिखा रखा है ये यूट्रस होता है। यूट्रस क्या होता है, एक लॉन्ग वाइल्ड कॉन्वोलेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो अराइज होता है जो ओविडक्ट एंड मीडियन वाइट लाइन डक्ट, मीडियन वाइट लाइन डक्ट और जो ओविडक्ट है उसका जो जंक्शन होता है वहाँ से ही अराइज होगा। अराइज होने के बाद ये क्या करता है, जेनिटल चैम्बर के अंदर ओपन हो जाता है बाय फीमेल जो गोनोफोर होता है उसके थ्रू ये ओपन हो जाएगा। अब इसका एक पोर्शन होता है मेटाटर्म, जो मेट्राटम है वो क्या होता है, टर्मिनल पार्ट जो होता है यूट्रस का उसको मेट्राटम बोलते हैं। मेट्राटम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये क्या करता है, जो कैप्सूल्स थे इसके अंदर उनको नेक्स्ट जो जेनिटल चैम्बर है उसके अंदर पास कर देगा। तो इसका काम होता है कैप्सूल्स को स्टोर करने का यूट्रस का। इन एडिशन इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती, जैसे कि मैलीज ग्लैंड। मैलीज ग्लैंड क्या होती है, यूनिसेलर ग्लैंड्स होती है, एक राउंडेड मास होता है जो प्रेजेंट होता है, जो जंक्शन होता है ओविडक्ट मीडियन डक्ट मीडियन वाइट लाइन डक्ट एंड यूट्रस, मीडियन वाइट लाइन डक्ट ओविडक्ट एंड इसके अलावा एक क्या था यहाँ पे जो यूट्रस है, इन तीनों के जो जंक्शन होगा वहाँ पे मैलीज ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल रेड सी कलर की है वो क्या है, मैलीज ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि मीडियन वाइट लाइन डक्ट ओविडक्ट और यूट्रस के, ये यहाँ पे यूट्रस स्टार्ट होगा तो यूट्रस के जो जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसका काम क्या होता है मैलीज ग्लैंड का, इसका काम होता है फर्स्ट तो लुब्रिकेशन का, लुब्रिकेशन करती है यूट्रस को ताकि जो कैप्सूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो इजीली आगे पास हो सके। सेकंड इसका फंक्शन होता है ये जो स्पम्स आएंगी उसको एक्टिवेट करने का। थर्ड काम होता है इसका, जो अब तक जितनी भी वाइट लाइन डक्ट्स थी वाइट लाइन ग्लैंड्स थी वो क्या सीक्रेट कर रही थी, एक योग कम सेल सीक्रेशन कर रही थी, तो इसका काम होता है उस सेल मटीरियल को उस योग कम सेल सीक्रेशन से अलग करने का, और वो सारा जो मटीरियल है वो कहाँ हो जाएगा, कैप्सूल को हार्डन करने का काम करेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक प्रेजेंट होती है लॉरेंस कैनाल। लॉरेंस कैनाल क्या होती है, एक स्मॉल नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि डिस्टल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट से अराइज होती है। यहाँ पे ये ओविडक्ट हो गई और ओविडक्ट के डिस्टल पार्ट जो होता है वहाँ से ये अराइज होगी, तो इसके डिस्टल पार्ट से ये अराइज होती है इस, और ये फिर रन करती है अपवर्ड एंड ओपन होती है एक डोर्सल साइड जो होती है बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंस स्टाइपीडिया कैनाल। लॉरेंस कैनाल का फंक्शन होता है कॉपुलेशन कैनाल की तरह एक्ट करने का, या फिर वेजाइना इसको हम बोलते हैं। ये क्या करती है, स्पम्स को रिसीव करती है ड्यूरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो जब भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी ये स्पम्स को रिसीव करेगी, तो मेल जेनेटियल पोर फीमेल जेनेटियल पोर जेनेटियल एट्रियम के अंदर ओपन हो जाएंगे, जो कि मेल गैमिट और जो फीमेल गैमिट है उसको लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगी नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी। तो नेक्स्ट होगी फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डिवेलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री आएगी। तो इसकी नेक्स्ट क्या होगी, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है, दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो ड्यूरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर इसको सेल इसको हम बोलते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे पेनिस इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा यूट्रस के अंदर, सेम एनिमल के यूट्रस के अंदर, एंड जो फीमेल होगी फीमेल गोनोपोर जो फीमेल गोनोपोर है उसके थ्रू स्पम्स जो है डिसार्ज कर दी जाएंगी, स्पम्स यूट्रस के अंदर चली जाएगी, वहाँ पे एक्टिव होंगी और वो ओविडक्ट तक पहुँच जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर हो जाएगी।
क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वन साइडेड इंसेमिनेशन होता है इसके अंदर, यानी कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा यहाँ पे, इंसेमिनेशन करता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लूक होती है वो अपना पेनिस इंट्रोड्यूस करवाती है जो लोरल्स केनाल होती है उसके अंदर। अब उसके अंदर जो है स्पर्म्स रिलीज कर दी जाएगी ओविडक्ट के अंदर, क्योंकि वो ओविडक्ट का टर्मिनल पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ओविडक्ट के अंदर क्या कर दी जाएंगी, स्पर्म्स रिलीज कर दी जाएंगी। स्पर्म्स हैं वहाँ पे मेलिस ग्लैंड की सीक्रेशन की वजह से एक्टिव हो जाएंगी, और फिर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे इंटरनल होगी हमेशा, यानी कि इनसाइड द बॉडी होगी। और ये कहाँ पे होती है, जो ओविडक्ट का डिस्टल पार्ट होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है कैप्सूल के अंदर सराउंड होता है, तो कैप्सूल फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट। अब जो कैप्सूल फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, जो ये कैप्सूल फॉर्मेशन है ये कहाँ पे होगी नेक्स्ट, तो टर्मिनल पार्ट जो है यूट्रस का, यूट्रस का टर्मिनल पार्ट है वहाँ पे ये होगी। अब जो ग्लैंड्स, जो जितनी भी ग्लैंड्स थी, जो भी वाइट लाइन ग्लैंड्स थी, वो एक योग कम सेल सीक्रेशन कर रही थी, वाइट लाइन ग्लैंड से वाइट लाइन डक्ट के थ्रू आ रहा था वो, तो जाइगोट उस सीक्रेशन को रिसीव करेगा। अब नेक्स्ट क्या करेगी, जो मेलिस ग्लैंड है, मेलिस ग्लैंड क्या करेगी, इस सीक्रेशन को, इस सीक्रेशन में से योक एंड जो सेल मटेरियल है उसको अलग कर देगी। मटेरियल को अलग करने के बाद जो सेल है वो जाइगोट के अराउंड क्या हो जाएगी, इसके अराउंड क्या हो जाएगी, फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी और इसको हार्डन करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल ऐसा नज़र आता है जिसके अंदर एक लीड प्रेजेंट होती है जिसको ओपरकुलम बोलते हैं। वन साइड एक इसके ऊपर ओपन पोर होगा जिसके थ्रू जो अंदर जो जो इसका लार्वा होगा नेक्स्ट वो यहाँ से रिलीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, कैप्सूल लेइंग होगी। कैप्सूल लेइंग कैसे होगी, जैसे ही एक यहाँ पे पोर्शन प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेट्राटम। मेट्राटम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो इसके अंदर जो कैप्सूल प्रेजेंट है वो क्या कर दिए जाएंगे, यहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे और पास कर दिए जाएंगे बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट किसकी होगी, होस्ट की बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट के अंदर रिलीज करने के बाद ये ड्यूडेनम के अंदर चले जाएंगे, ड्यूडेनम से ये फिर फाइनली इजेस्ट आउट हो जाएंगी। तो कैसे होंगे, फर्स्टली क्या था यहाँ पे, कैप्सूल फॉर्मेशन हुई। कैप्सूल फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैप्सूल की लेइंग होगी। लेइंग कैसे होगी, अब कि मेट्राटम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड देन कैप्सूल पास हो जाएंगे। कहाँ पास होंगे, नेक्स्ट कैप्सूल पास होंगे बाइल डक्ट ऑफ द होस्ट के अंदर। अब होस्ट की बाइल डक्ट से बाइल जूस सिक्रीट होगा, बाइल जूस ड्यूडेनम के अंदर आएगा, ड्यूडेनम में आ जाएंगे नेक्स्ट कैप्सूल्स, ड्यूडेनम से क्या होगा, जो फिकल मैटर होता है उसके साथ बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद ये चले जाएंगे ओपन वाटर के अंदर। ओपन वाटर के अंदर इनकी नेक्स्ट डिवेलपमेंट होगी, यानी कि इनको नेक्स्ट डिवेलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है ओपन वाटर, इनको ओपन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, जो डिवेलपमेंट है अब नेक्स्ट कैप्सूल की, जो कैप्सूल है उसके अंदर डिवेलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जब कैप्सूल प्रेजेंट होता है फ्लूक के अंदर, वहाँ से इसकी डिवेलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट किसके अंदर होती है, ओपन वाटर के अंदर होती है। तो इसके अंदर क्लीवेज एंड अर्ली डिवेलपमेंट कैसे होगी, कैप्सूल के अंदर ही होगी। कैसे होगी, फर्स्ट जाइगोट होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उसके अंदर होलो ब्लास्टिंग एंड अनईक्वल क्लीवेज होगी। अनईक्वल है तो एक स्मॉल साइज एक लार्ज साइज के नेक्स्ट सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे एक प्रोपेगेटरी सेल प्रोड्यूस होगी, एक सोमेटिक और एक्टोडर्मल सेल प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट ये जो प्रोपेगेटरी सेल है कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे चली जाएगी, कुछ टाइम के लिए डिवाइड नहीं करेगी, रेस्ट पे चली जाएगी, और जो सोमेटिक और एक्टोडर्मल सेल्स है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू लार्वल एक्टोडर्म फॉर्म कर लेगी। एक्टोडर्म यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। इसके बाद जो प्रोपेगेटरी सेल्स है वो डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके ये बना लेंगी प्रोपेगेटरी सेल्स और सोमेटिक सेल्स। और ये जो प्रोपेगेटरी सेल्स हैं नेक्स्ट जर्म सेल्स फॉर्म कर देंगी पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, और इसके अलावा जो सोमेटिक सेल्स है वो मीजोडर्म और एंडोडर्म फॉर्म कर देगी। तो लार्वा की एक्टोडर्म बन गई, मीजोडर्म बन गई, एंडोडर्म बन गई, और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जर्म सेल्स बन गई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि इसके अंदर भी सेम यही दिखाया हुआ है कि ये कैप्सूल है, ओपरकुलम होगा, कैप्सूल के अंदर फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा नेक्स्ट, प्रोपेगेटरी सेल्स और सोमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये एक्टोडर्म एंडोडर्म और जो मीजोडर्म है वो फॉर्म करेंगी, और
जो जम सेल्स हैं वो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो लेयर्स है, जम लेयर्स हैं, वो क्या करेंगी, नेक्स्ट जो ऑर्गन फॉर्मेशन है उसके अंदर हेल्प कर देगी, जैसे आई, ब्रेन, पैपिले, प्रोटोनेफ्रीडियम, सीलिया, ये फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ये जो लार्वा बनेगा, जिसके अंदर जो ये अभी जो डिवेलपमेंट हुई लार्वा बनेगा, उसको हम बोलते हैं मीरासीडियम लार्वा। अब ये जो मीरासीडियम लार्वा है वो कैप्सूल के अंदर 2 वीक्स तक क्या करेगा, उसके अंदर ही रहेगा, और इसके फर्दर डिवेलपमेंट के लिए कैप्सूल जब इजेस्ट आउट हो जाते हैं और वाटर के कंटेक्ट में आते हैं, उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। फेवरेबल कंडीशन के अंदर फर्स्ट तो वाटर हो गया, वाटर के बाद उसका वाटर का पीएच होना चाहिए 6.5 पीएच, इसके बाद उसका टेम्परेचर होना चाहिए 22 to 25 degrees Celsius टेम्परेचर होना चाहिए, जिसके बाद ये मीरासीडियम लार्वा जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। अब इस लार्वा की क्या होगी, नेक्स्ट हैचिंग होगी। ये जो लार्वा है नेक्स्ट क्या करेगा, इस लार्वा की हैचिंग होगी, यानी कि हैचिंग ऑफ मीरासीडियम। फर्स्ट तो इसके अंदर क्या होगा, बटिंग एक्शन होगा मीरासीडियम फ्रॉम इनसाइड, यानी ये जो लार्वा प्रेजेंट है इसके अंदर ये बटिंग एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा, या से हिलना डुलना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, डाइजेशन ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, जो इसका ये सीमेंटिंग मटेरियल था, जो शेल थी, उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और डाइजेस्ट भी कहाँ से होगा, जो इसकी पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जो कि प्रोटोलिटिक एंजाइम होता है, तो ये प्रोटोलिटिक एंजाइम क्या कर देगा, इसको सीमेंटिंग मटेरियल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जो मीरासीडियम लार्वा है इस ऑपरकुलम और लिड के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो मीरासीडियम लार्वा जो है वो क्या आ गया, अब फ्री हो गया है। फ्री होने के बाद नेक्स्ट इस लार्वा स्टेज की नेक्स्ट कुछ स्टेजेस आएंगी कि मीरासीडियम लार्वा कैसा होगा, नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री जो होगी, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स लार्वल डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, तो उस कॉम्प्लेक्स लार्वल डेवलपमेंट के अंदर कुछ स्टेजेस आएंगी, लार्वल स्टेजेस आएंगी लाइफ हिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट मीरासीडियम लार्वा होगा, नेक्स्ट स्पोरोसिस्ट, नेक्स्ट रेडिया, सर्केरिया एंड देन मेटासर्केरिया। तो ये 5 लार्वल स्टेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मीरासीडियम लार्वा था, देन स्पोरोसिस्ट बना, फिर रेडिया बना, फिर सर्केरिया बना, फिर मेटासर्केरिया एनसिस्ट होगा। एनसिस्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, अडल्ट फेसियोला बना लेगा, अडल्ट जो फ्लूक है वो बन जाएगी, एंड अगेन ये क्या साइकिल चलती रहेगी। अब तक क्या थी, यहाँ पे यहाँ तक साइकिल जो है यहाँ तक चली थी शिप के अंदर, जो इसका होस्ट था, प्राइमरी होस्ट था। इसके बाद वाटर के अंदर जाने के बाद इसकी साइकिल किसके अंदर चलेगी, स्नेल के अंदर, जो वाटर के अंदर स्नेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर नेक्स्ट इसकी साइकिल चलेगी। तो सर्केरिया तक इसके अंदर क्या होगा, ये सर्केरिया तक मेटा सर्केरिया फॉर्म करेगा, फिर नेक्स्ट मेटा सर्केरिया इंजेस्ट कर लिए जाएंगे शिप के थ्रू, शिप नेक्स्ट, फिर शिप के अंदर आगे डेवलपमेंट होगी, अडल्ट फेसियोला बनेगा, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लार्वल स्टेजेज इन द लाइफ हिस्ट्री, कि इसकी लार्वल की डिवेलपमेंट कैसे कैसे होती है। थैंक यू सो मच।